तो इसी कड़ी में बजट सत्र के आखिरी दिन हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने हरियाणा सरकार को घेरा के निशाने पर लिया गया है। खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोर ने उनसे खास बातचीत की है। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया और कैसे सरकार को निशाने पर लिया गया है, हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी ने उनसे खास बातचीत की है। सुनवाते हैं। बजट सत्र की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है और किस प्रकार की कार्रवाई रही विपक्ष के तौर पर वरिष्ठ नेता कांग्रेस की और विधायक किरण चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बजट सत्र में आपने देखा कि अभिभाषण से लेकर के अभी तक का पूरा जो सिनेरियो था, 7 कॉलिंग अटेंशन आपकी तरफ से लगाए गए थे, किस तरीके से आप देखते हैं और केवल एक उनमें से मंजूर किया गया अभी आपने बताया? देखिए, 7 कॉलिंग अटेंशन बहुत अहम मुद्दों के ऊपर थे। अरावली के ऊपर अधिग्रहण, इलीगल माइनिंग, आवारा पशु, फिर साथ के साथ किसानों का समस्या, घोटाले, इसके ऊपर मैंने लगाए। एक जो है मेरा स्वीकृत करा गया, वो नशे के ऊपर जो करा गया, और वो भी स्वीकृत करने के बाद मेरे को स्पीकर साहब के सामने जाना पड़ा कि क्योंकि मेरा जो स्वीकृत करा हुआ जो कॉलिंग अटेंशन मोशन था वो टेबल ही नहीं करा विधानसभा के अंदर, इसका मतलब उसका रिकॉर्ड ही नहीं होगा, आप समझ रहे हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादती है मेरे साथ। तो आप ये कहेंगे कि उनमें से कोई भी स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि ये जो टेबल किया गया था वो अभय चौटाला की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया? हाँ, नहीं, अभय चौटाला का और बाकी एमएलए का टेबल कर दिया गया, मेरा बाद में एक फोटो स्टार्ट करके जो है 5-7 डेस्क के ऊपर डाल दिया, वो प्रॉपरली टेबल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये स्पष्ट दर्शाता है कि ऐसा अहम मुद्दा जो नशे का है उसके ऊपर सरकार कितनी संगीन है। आप पूरे तरीके से संतुष्ट हैं बजट सत्र से, बजट को लेकर के, या फिर ये जो तमाम बातें आपने कही हैं कर्ज में डूबने को लेकर के, या फिर अभी हमने प्रदर्शन भी देखा आपने, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो आपके ध्यान आकर्षण में भी थे, प्रदर्शन भी किया? बजट जो है इनका जो अपना बजट है वो 83-84% जो है वो जाता है टुवर्ड्स सैलरीज, टुवर्ड्स इंटरेस्ट एंड टुवर्ड्स अदर थिंग्स, अंडरस्टैंड। तो पैसा तो इनके पास है नहीं। ये जो ये बजट में इतना ज़बरदस्त ये जो पेंट कर रहे हैं पिक्चर की इतना ज़बरदस्त है, ये सेंट्रल फंड्स जो हैं वो आ रहे हैं उसके भरोसे ये सरकार चल रही है, समझ रहे हो? हम आम आदमी को तो पता ही नहीं है। ये सरकार कह रही है कि बजट जो है किसान हितैषी था, सरसों के बारे में आपने बताई, गन्ना किसान को पेमेंट नहीं मिल रही है, ये तमाम मुद्दे थे, क्या लगता था कि इन पर चर्चा हो पाई है सेशन? किसान हितैषी होती तो आज मैंने कहा ना, किसान हितैषी होती तो ये जो इन्होंने कैप लगा रखा है ये सरसों पे, कॉटन पे, बाजरा पे, हटाओ 24-24 क्विंटल क्यों आप खाली खरीद रहे हो, MSP क्यों नहीं आप बढ़ा रहे हो, जो लागत किसान की आ रही है डीजल पे, यूरिया पे, लेबर पे, वो क्यों कह कितने आप उनको MSP इतना बढ़ा दो कि वो लागत के बराबर अपना काम कर पाए, लेकिन वो तो कर नहीं रहे ना। पानी SYL नहर जो है वो भी एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह गई है, पानी जो दक्षिण हरियाणा को मिल नहीं रहा है बिल्कुल पूरी तरह से। तो आप ये देखिए कि किस तरह से काम हो रहा है। शुक्रिया बात करने के लिए। किरण चौधरी हमारे साथ थी और सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर के विधानसभा में पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है, और ऐसे ज़रूरी मुद्दे जो किसान से, प्रदेश की आम जनता से जुड़े हुए थे, जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी। चंडीगढ़ से कैमरामैन भरत के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।